गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। 8th क्लास की जो हनीडू हमारी बुक है उसका हम लेसन कर रहे थे, ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट, थर्ड चैप्टर ये। आज हम इसका पार्ट सेकंड करेंगे। लेट अस स्टार्ट द वीडियो। हम ये पार्ट पढ़ रहे थे, ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट, भारतीय इतिहास की झलकियाँ। इसमें हमने कुछ इसके पार्ट कर लिए थे। फर्स्ट पार्ट कर लिया था, सेकंड कर लिया था, थर्ड कर लिया था, फोर्थ राजा राम मोहन राय, एंड फिफ्थ ऑपरेशन यानी दमन। और अब हम कर रहे हैं पार्ट नंबर 6, डिससेटिस्फेक्शन, कि अंग्रेजों से भारतीयों में किस प्रकार असंतोष था। डिससेटिस्फेक्शन होती है असंतोष। अब ये देखिए यहाँ क्या होता है, शुरुआत कहाँ से होती है। देखिए यहाँ दो अंग्रेज अधिकारी इस वीडियो में बात कर रहे हैं, यहाँ पर इस पिक्चर में। ये कह रहा है कि एजुकेशन इन इंडिया वॉज इन पर्शियन एंड संस्कृत। जो भारत में जो शिक्षा थी वो फारसी भाषा और संस्कृत में थी। इन 1835 1835 में एन इंग्लिश मैन नेम्ड मैकॉले सजेस्टेड ए चेंज। मैकॉले ने एक परिवर्तन का सुझाव दिया। उसने क्या क्या कहा कि वी शुड टीच द नेटिव थ्रू इंग्लिश लैंग्वेज, कि हमें अंग्रेजी भाषा के द्वारा शिक्षा दी देनी चाहिए। तो जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे वो एग्री हो गए इससे। उन्होंने कहा कि आई एग्री, मैं इस बात से सहमत हूँ। अब अंग्रेजी शिक्षा से क्या हुआ, देखते क्या होता है कि द इंग्लिश इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस्ड क्लर्क टू होम ब्रिटिश गेव पैटी जॉब अंडर देम, कि अंग्रेजी शिक्षा से केवल क्लर्क पैदा हुए जिनसे केवल क्लर्क छोटी जॉब जॉब ही उनको मिलती थी। इंसिडेंटली सेम वर्स इट आल्सो प्रोड्यूस्ड ए न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। इससे एक नई जनरेशन भी पैदा हुई बुद्धिमान लोगों की। बुद्धिमान लोग भी पैदा हुए इंग्लिश पढ़ने से। वो लोग ये देखो, ये लोग क्या बातें कर रहे हैं, ये बुद्धिमान लोग हैं। ये कह रहे हैं वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर्स, हमें अपने भाइयों को शिक्षित करना चाहिए, एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मेटीरियल कंडीशंस, और उनकी जो आर्थिक स्थिति है उसको सुधारने का प्रयास करना चाहिए। फॉर दैट वी मस्ट कन्वे आवर ग्रीवनेस टू ब्रिटिश पार्लियामेंट, और इसलिए हम अपनी जो ग्रीवनेस यानी मांगे हैं वो ब्रिटिश संसद के सामने रखेंगे। तो इस तरह कुछ लोग शिक्षित भी हुए। अब यहाँ देखिए इस मैप में क्या कह रहा है कि इन 1856 1856 में द ब्रिटिश कंक्वर्ड द होल ऑफ इंडिया, लगभग पूरे भारत पर उन्होंने अधिकार कर लिया था। तो इस नक्शे से आप मैप से आप समझ सकते हैं। या मैप में क्या कह रहा है कि जो येलो कलर है ये है इंडियन स्टेट्स, यानी इंडियन स्टेट्स अब थोड़े से रह गए हैं, और जो रेड कलर में ब्रिटिश एरिया यानी पूरे भारत पर लगभग उन्होंने अधिकार कर लिया है। अब यहाँ क्या बातें हो रही है, ये लोग क्या बातें कर रहे हैं कि दे केयर लिटिल अबाउट नीड्स ऑफ इंडियंस, कि भारतीय लोगों की जरूरतों की उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि इन्होंने अंग्रेजों ने। अब ये व्यक्ति क्या कह रहा है कि आवर किंग्स हैव बिकम पपेट्स, पपेट्स होती है कठपुतलियाँ, कि हमारे राजा हैं वो कठपुतलियाँ बन गए हैं, एंड वी हैव लॉस्ट आवर जॉब्स, और हमने अपनी जो जॉब्स पुराने जो काम धंधे थे वो खो दिए हैं, यानी हमारे काम धंधे खत्म हो गए हैं, एंड लैंड और ज़मीनें भी खो दी है। दे आर कन्वर्टिंग आवर ब्रदर्स, वे हमारे भाइयों को बदल रहे हैं। कन्वर्टिंग का मतलब है यहाँ पर धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। यू ओनली टॉक, तुम केवल बात करोगे, या डू समथिंग टू ड्राइव देम आउट, या उनको भगाने के लिए भी कुछ करोगे। अब यहाँ नेक्स्ट पार्ट है इसका, पार्ट नंबर 7, स्पार्क्स यानी चिंगारियां। यहाँ एक विद्रोह दिखाया गया आपको। देखिए आप कुछ लड़ाइयां लड़ी जा रही है अंग्रेजों और आदिवासियों के बीच में। कौन से आदिवासी थे हम यहाँ पढ़ेंगे। ये कह रहा है कि द टैक्सेस, जो टैक्स थे कर थे, कंटिन्यू टू रोइन द पीजेंट्स, किसानों को रोए नष्ट कर रहे थे, बर्बाद कर रहे थे। इन बंगाल, बंगाल में द संथाल एक जाति थी आदिवासी जाति, हु हैड लॉस्ट देयर लैंड्स अंडर न्यू लैंड रूल्स, जो नए भूमि कानून आए थे उनके अंदर उन्होंने अपनी जमीनें खो दी थी। बिकेम डिस्पिरेट, और वो उग्र हो गए। इन 1855 1855 में देयर रोज इन रिबिलियन एंड मैसेकर्ड यूरोपियंस एंड देयर सपोर्टर्स अलाइक, उन्होंने एक 1855 में एक विद्रोह कर दिया, और उन्होंने बहुत से यूरोपियंस को मार दिया और उनके साथियों को भी मार दिया। अब यह क्या होता है, अब वही जो डिसकंटेंट असंतोष जो था वाज ब्रिविंग इन ईस्ट इंडिया कंपनी आर्मी आल्सो, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी थी सेना उसमें भी असंतोष पनप रहा था। कैसे पनप रहा था, क्योंकि उसमें भारतीय जो थे वो सिपाही थे वो परेशान थे। कैसे थे, अब ये सिपाही आपस में बात करें, क्या कह रहा है कि द वाइट सोल्जर, जो अंग्रेज सैनिक हैं, गेट यूज पे, उनको तो बड़ी तनख्वाह मिलती है, मेंशन बंगले मिलते हैं लिव इन रहने के लिए, एंड सर्वेंट उनको नौकर भी मिलते हैं। अभी कह रहा है कि वाइट
वाइल वी गेट पिटेंस एंड स्लो प्रमोशन, जबकि हमें बहुत कम धन मिलता है और स्लो प्रमोशन मिलती है। अंग्रेज आस्क अस टू क्रॉस द सी, अंग्रेज हमें कहते हैं कि समुद्र पार जाना पड़ेगा। इट इज़ अगेंस्ट आवर रिलीजन, ये हमारे धर्म के खिलाफ है। हु इज़ टोपी वाला, ये टोपी वाला कौन होता है। टू अबोलिश आवर ओल्ड इज कस्टम्स, हमारी पुरानी जो रीति रिवाज है उनको अबोलिश, नष्ट करने वाला ये टोपी वाला होता कौन है। ठीक है, अब यहाँ एक मंगल पांडे के बारे में जिक्र है। ये एक सिपाही कह रहा है कि वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज, हमें अंग्रेजों को बाहर भगा देना चाहिए। सिपाही मंगल पांडे अटैक द एडजुटेंट ऑफ हिज रेजिमेंट, उनके जो रेजिमेंट सैनिकों की जो एक छावनी होती है उनके जो अंग्रेज अधिकारी थे उन पर उन्होंने आक्रमण कर दिया और उनको मार दिया था। किसने, मंगल पांडे ने। एंड वाज एग्जीक्यूटेड, और उनको फांसी दे दी गई। किसको, मंगल पांडे को। नेक्स्ट यहाँ और विद्रोह होते हैं, देखिएगा। ये कहता है कि थाउजेंड्स ऑफ अदर सिपाहीज रिवोल्टेड, बहुत से हजारों सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। दे वर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म्स, उनसे उनकी वर्दियाँ छीन ली गई। एंड ह्यूमिलेटेड एंड पुट इन आयरन्स, उनको अपमानित किया गया एंड उनको बेड़ियों में जकड़ दिया गया। पुट इन आयरन्स मतलब बेड़ियों में जकड़ देना। अब यहाँ देखिए, ये बातें कर रहे हैं आपस में कुछ सैनिक हैं, ये क्या कह रहे हैं। फ्यू इंग्लिश मैन एट केयर टू अंडरस्टैंड इंडियन कस्टम और द माइंड ऑफ पीपल्स माइंड, कुछ अंग्रेजों ने भारतीयों की जो रीति रिवाज थी उनको समझ गए और उनके दिमागों को पढ़ लिया उन्होंने। ये क्या कहा है, ओ प्राउड ओल्ड ब्राह्मण सोल्जर, कि ये स्वाभिमानी ब्राह्मण सैनिक, डू यू नो, क्या तुम्हें पता है, क्या तुम जानते हो कि दैट द ग्रीज ऑन द बुलेट, कि जो जो गोली है उस पर जो ग्रीज यानी चिकनाई लगी है, यू हैव टू बाइट इट, जिसे तुम्हें काटना पड़ता है। मेड फ्रॉम फैट ऑफ काउज एंड पिग्स, जो गाय और सूअर की चर्बी से बनी होती है, क्या तुम्हें पता है ये। अब ये कहता है कि व्हाट, क्या ऐसी बात है। अब ये मुस्लिम है, ये भी कह रहा है कि द वाइट मैन, कि अंग्रेजों ने हैड डिसीव्ड अस टू, कि हमें भी धोखा दिया है। अब क्या होता है यहाँ पर, ये कह रहा है कि सुन, जल्द ही चपातीज वर सेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज, जल्द ही चपातियाँ गांव से गांव भेजी गई, टू टेल द पीपल, लोगों को ये संदेश देने के लिए कि दैट देयर एम्परर वुड वांट देयर सर्विसेज, कि राजा को उनकी ज़रूरत है, उनकी सेवाओं की ज़रूरत है। अब ये देख गांव से गांव चपातियाँ जा रही है, तो ये गांव का जो प्रधान है वो क्या कह रहा है कि यस ऑल माई विलेज मैन विल बी रेडी, कि विद्रोह के समय हमारे गाँव वाले सभी तैयार रहेंगे। और वहाँ चपातियाँ बांटी जा रही थी और यहाँ सैनिकों में क्या बांटे जा रहे थे, सैनिकों में क्या गया है, सिमिलरली उसी तरीके से द लोटस फ्लावर्स, कि कमल के फूल सर्कुलेटेड अमंग इंडियन सोल्जर्स, भारतीय सैनिकों में बांटे गए। डेथ टू द फॉरनर, कि विदेशी की मौत हो, अब हम विदेशियों को मार देंगे। ये नीचे क्या कह रहा है कि द मैसेज, मैसेज होती है जनता, पीपल, लोग, गेव ऑल हेल्प शेल्टर द पैट्रियट्स, जो देशभक्त थे उनको सभी प्रकार के आश्रय और हेल्प जनता ने प्रदान की। अब यहाँ क्या होता है, नेक्स्ट रिवोल्ट, अब विद्रोह हो जाता है इन 1857, 1857 में विद्रोह हो गया, कि देयर वाज ए वायलेंट आउटब्रेक एट मेरठ, मेरठ छावनी में पहले विद्रोह होता है, सिपाही विद्रोह। ठीक है, अब आगे वहाँ से जो मेरठ से चल के सिपाही दिल्ली आ जाते हैं, जहाँ बहादुर शाह जफर है वो भारत के राजा हैं किले में, मुगल बादशाह। तो द सिपाही मार्च टू दिल्ली, दिल्ली की ओर चल पड़ते हैं। लिव लॉन्ग आवर एम्परर बहादुर शाह, बहादुर शाह हमारे जो राजा है वो, उनकी उम्र लंबी हो। ये सारे सैनिक आ जाते हैं यहाँ पर। अब क्या है कि द रेबिलियन स्प्रेड वाइडर, जो विद्रोह था वो पूरी तरीके से पूरे विभिन्न नक्षत्रों में फैल गया था। अब यहाँ क्या हो रहा है कि मैनी लैंडलॉर्ड्स हैड लॉस्ट देयर लैंड्स, कि बहुत से जमींदारों ने अपनी ज़मीनें खो दी थी बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज, जो अंग्रेजों की नीतियाँ थी उनकी वजह से। दे वर शोर, वो भी उनसे परेशान थे, वो भी विद्रोह करना चाह रहे थे। अब ये क्या कह रहा है कि द वाइट मैन रूल मस्ट एंड, कि अंग्रेजों का राज है वो ख़त्म होना ही चाहिए। यस वी विल हेल्प यू, हम भी तुम्हारी सहायता करेंगे। नेक्स्ट यहाँ क्या होता है, अब फाइट फॉर फ्रीडम, आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। अब ये जो पुराने जो बेगम हजरत महल है, ये क्या कह रही है कि मैनी फॉर्मर रूलर्स, कि बहुत से पहले के शासक, लाइक बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ, लखनऊ की थी हजरत महल वर बीटर, वो भी परेशान थी उनसे। वो क्या करेगी, द वाइट मैन हैज़ टेकन अवे माई किंगडम, टेकन अवे था छीन लेना, कि मेरा राज्य छीन लिया है उन्होंने।
अब वो क्या होता है, दे यानी बेगम हजरत महल ज्वाइन द अफसर्स अगेंस्ट द फॉरनर, अफसर्स होता है विद्रोह, विद्रोह को उन्होंने ज्वाइन कर लिया, जो विदेशियों के खिलाफ जो विद्रोह था उस लड़ाई में वो शामिल हो गई। आगे यहाँ क्या होता है, और ये एक मौलवी अहमदुल्ला है, ये लोगों क्या कह रहे हैं कि पॉपुलर लीडर्स लाइक मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैजाबाद टोल्ड द पीपल, लोगों को उन्होंने बताया अहमदुल्ला ने क्या कि राइज ब्रदर राइज, कि उठो भाइयों उठो, द अंग्रेज इज ड्रेनिंग आवर लैंड, कि अंग्रेज है वो हमारी जमीनों को नष्ट कर रहे हैं। अभी देखिए, द पीपल रोज एवरीवेयर, हर जगह से लोग उठ खड़े हुए, इन बरेली कानपुर इलाहाबाद हर जगह लोगों ने विद्रोह कर दिया। अब यहाँ देखिए कुछ सैनिक आपस में बातें कर रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं कि अजीमुल्ला खान टोल्ड तांता टोपे, तांता टोपे उसने अजीमुल्ला खान ने कहा क्या कहा कि वी शुड हैव पेशवा नाना साहब एज आवर लीडर इन दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, कि आज़ादी की इस लड़ाई में हमें नाना साहब पेशवा को अपना नेता घोषित कर देना चाहिए। अब यहाँ सैनिक और कुछ बातें कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि द पैट्रियट्स पाउंस्ड अपॉन, कि टूट पड़े, पाउंस्ड अपॉन होता टूट पड़े अपॉन द ब्रिटिश सैनिकों पर, एंड फोर्ट पिच्ड बैटल, और भयंकर लड़ाइयाँ लड़ी ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया, पूरे उत्तरी भारत में भयंकर लड़ाइयाँ लड़ी गई अंग्रेजों के खिलाफ। अब यहाँ एक बिहार के राजा कुंवर सिंह के बारे में बताया गया है, ये क्या कह रहे हैं कि द 80 ईयर ओल्ड कुंवर सिंह, 80 साल के कुंवर सिंह ओ बिहार रिसीव बुलेट इन इज रिस्ट, अपनी कलाई में उनको गोली लगी, रिसीव होता है प्राप्त करना या रिसीव लगना, उन्होंने अपना हाथ काट के गंगा में बहा दिया, देखो अपने ही हाथ से। ठीक है, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि मदर गंगा, कि माँ गंगा दिस इज माई लास्ट ऑफरिंग टू यू, कि माँ गंगा ये मेरी आपको अंतिम भेंट स्वीकार करें। तो दिस इज द लास्ट ऑफ दिस लेसन, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके क्वेश्चन आंसर कराएंगे। थैंक यू, ओके।